हेलो एंड वेलकम एवरीवन। आज हम पढ़ेंगे क्लास 9th का नाज़िज़्म एंड द राइज ऑफ हिटलर। क्या कोई इंसान किसी दूसरे इंसान को सिर्फ उसके रिलीजन या उसकी आंखों के कलर की वजह से या फिर उसके बाल के कलर की वजह से मार सकता है? इन सारे सवालों का जवाब हमें कुछ देर में मिल जाएगा। लेकिन कभी भी आपके साथ कोई बुरा बर्ताव करता है या फिर आपने अपने दोस्तों को अक्सर ये बोलते हुए सुना होगा कि अरे यार, हमारी क्लास टीचर तो हिटलर है, आखिरकार हर बुरे इंसान को हिटलर से क्यों कंपेयर करा जाता है? कौन था ये हिटलर, जानेंगे हम इस चैप्टर के अंदर। हिटलर के बारे में जानने से पहले ज़रा कहानी में थोड़ा पीछे चलते हैं। अरे कहानी नहीं, ये असलियत है। फर्स्ट वर्ल्ड वॉर, जर्मनी फर्स्ट वर्ल्ड वॉर के अंदर बहुत बुरी तरीके से हार गया था। वहाँ का जो मोनार्क था, यानी कि जो राजा था या फिर रानी थी, उन्हें भी क्विट करना पड़ा। अब इस पूरे देश को कौन चलाएगा? इस चीज़ का जिम्मेदारी दी गई वाइमार रिपब्लिक को। वाइमार रिपब्लिक के अंदर एक नेशनल असेंबली आई। इन लोगों ने एक कॉन्स्टिट्यूशन लिखा। इस कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर डिसाइड हुआ कि जर्मनी को कैसे चलाया जाएगा। बहुत सारे डिप्यूटीज़ को इलेक्ट करा गया जर्मन पार्लियामेंट के लिए। अब पूरा स्ट्रक्चर बनाया गया कि पूरा देश किस तरीके से चलेगा। एक डेमोक्रेटिक कॉन्स्टिट्यूशन बनाया गया जिसके अंदर फेडरल स्ट्रक्चर को फॉलो करा जाएगा। साथ ही में यूनिवर्सल एडल्ट फ्रेंचाइज भी होगी। अब इस यूनिवर्सल एडल्ट फ्रेंचाइज का मतलब क्या है कि जितने भी एडल्ट्स हैं उनके पास वोट देने का राइट होगा, साथ में वुमेन्स के पास भी। इससे पहले एडल्ट्स में भी कुछ सेलेक्टेड लोगों के पास ही वोट देने का राइट था, और वैसे भी मोनार्की थी तो कुछ लोगों के वोट का महत्व था नहीं। फेडरलिज्म, अभी हमने पढ़ा कि डेमोक्रेटिक कॉन्स्टिट्यूशन तो होगा ही, मतलब कि गवर्नमेंट को वोट देकर चुना जाएगा, लेकिन ये फेडरल स्ट्रक्चर क्या है? फेडरलिज्म का मतलब ये होता है कि जो गवर्नमेंट है उसके अंदर भी पावर डिवाइडेड होगी, सेंट्रल अथॉरिटी और वेरियस अदर पार्ट्स के अंदर। अगर हम अपनी कंट्री की बात करें तो जैसे आपने देखा होगा कि सेंट्रल गवर्नमेंट में अगर प्राइम मिनिस्टर मोदी हैं तो स्टेट गवर्नमेंट में CM योगी हैं। मतलब कि कुछ चीज़ों का कंट्रोल मोदी जी के पास है और कुछ चीज़ों का कंट्रोल योगी जी के पास है। एग्जाम्पल के लिए ये हमने लिया है। तो यहाँ पर UP स्टेट गवर्नमेंट के CM कौन है? योगी। तो यहाँ पर UP के रिलेटेड जो भी कुछ चीज़ें होंगी उनका डिसीजन योगी जी ही लेंगे। उसके अंदर प्राइम मिनिस्टर या फिर सेंट्रल गवर्नमेंट कुछ भी इंटरफेरेंस नहीं कर सकती, और जो सेंट्रल गवर्नमेंट के कुछ डिसीजन होंगे उसके अंदर स्टेट गवर्नमेंट कुछ भी इंटरफेरेंस नहीं कर सकती। तो ये क्या है? डिवीजन ऑफ पावर। तो एक तरीके से यही स्ट्रक्चर फॉलो किया जा रहा था। वीडियो में आगे जाने से पहले आप सबको एक इम्पॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन देनी है। बहुत सारे बच्चों ने मुझे कमेंट और ईमेल करा कि सर, जो हमने मेंबरशिप परचेज करी थी और हमें नोट्स और सैम्पल पेपर मिले थे वो एग्ज़ाम में बहुत हेल्पफुल थे, इसी वजह से प्लीज़ आप मेंबरशिप प्राइस इंक्रीज मत करो। तो आप सबके लिए गुड न्यूज़ है कि मेंबरशिप का प्राइस इंक्रीज नहीं होने वाला, 299 ही रहने वाला है। इसके साथ साथ एक और एक्साइटिंग न्यूज़ है, इस कॉस्ट को और भी अफोर्डेबल बनाने के लिए पहले 1000 बच्चों को मिलने वाला है 70% डिस्काउंट। तो फटाफट अभी मेंबर बन जाओ, SST के, इंग्लिश के, साइंस के नोट्स और सैंपल पेपर आपको मिलेंगे, जो कि एग्ज़ाम में आपके फुल मार्क्स लाने में हेल्प करने वाले हैं। लेकिन डिफेक्ट क्या थे इस सिस्टम के अंदर? देखो, सबसे पहले प्रोपोर्शनल रिप्रेजेंटेशन की वजह से बहुत मुश्किल हो गया था किसी भी एक पार्टी का जीतना, और जिसकी वजह से बार बार कोएलिशन के अंदर गवर्नमेंट बन रही थी। आसान भाषा में समझते हैं,
मान लो जीतने के लिए अगर 150 वोट्स चाहिए तो कोई भी पार्टी सीधे के सीधे 150 वोट्स ला ही नहीं पा रही थी। जैसे अगर मान लो 150 वोट्स की रिक्वायरमेंट है तो मोटूलाल के पास 100 वोट्स आ रहे थे, भूपेंद्र के पास 50 वोट्स और राजू के पास 61 वोट्स। तो इसकी वजह से बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम्स क्रिएट हो रही थी। कभी भी अगर गवर्नमेंट बनती थी तो कोएलिशन के अंदर, यानी कि एक तरीके से ग्रुप बनाकर, जैसे यहाँ पर भूपेंद्र और मोटूलाल दोनों ग्रुप बना के गवर्नमेंट बना सकते हैं। आर्टिकल 48 एक स्पेशल आर्टिकल था कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर, जिसके अंदर प्रेसिडेंट के पास एक बहुत ही स्पेशल पावर थी, जिसके अंदर वो इमरजेंसी को इम्पोज कर सकते थे, मतलब कि इमरजेंसी लगा सकते थे। अब ये इमरजेंसी क्या है? इमरजेंसी के अंदर क्या होगा कि जितने भी सिविल राइट्स हैं, मतलब कि राइट टू स्पीच, राइट टू वोट, ये सारे सिविल राइट्स लोगों से छीन लिए जाएंगे, मतलब कि लोगों के पास जो भी राइट्स हैं वो उनके राइट्स नहीं रहेंगे और डायरेक्टली प्रेसिडेंट उनको अपनी मन मर्जी से रूल करने वाले हैं। जो रिपब्लिक थी, मतलब कि जो अभी ये नई गवर्नमेंट का फॉर्मेशन हुआ था, ये पूरे नए सिस्टम का फॉर्मेशन हुआ था, इसे लोग बिल्कुल भी पसंद नहीं करते थे। क्यों नहीं करते थे? क्योंकि एक पीस ट्रीटी करी थी इस गवर्नमेंट ने वर्साय के अंदर। अब वर्साय के अंदर जो इन्होंने पीस ट्रीटी करी थी, जब जर्मनी हारा था, तो इस पीस ट्रीटी के अंदर आखिरकार था क्या जिसे लोग बिल्कुल पसंद नहीं कर रहे थे और जिसकी वजह से वो इस गवर्नमेंट को बिल्कुल भी लाइक नहीं करते थे? अब पढ़ते हैं हम लोग ट्रीटी ऑफ वर्साय। अब ये ट्रीटी ऑफ वर्साय के अंदर क्या था? ये ट्रीटी ऑफ वर्साय तब हुई थी जब जर्मनी हार गया था। देखते हैं, ट्रीटी का मतलब होता है एक रिटन एग्रीमेंट जो दो या फिर दो से ज़्यादा कंट्रीज़ के बीच में होता है। तो यहाँ पर जब जर्मनी हारा था तो उसे एक एग्रीमेंट करना पड़ा था जिसके अंदर उसकी जो 13% टेरिटरी थी उसको भी ले लिया था, 75% जर्मनी का आयरन ले लिया गया था, 26% कोल ले लिया गया था और जो उनकी आर्मी थी उसको डीमिलिटराइज्ड कर दिया गया था, मतलब कि जो आर्मी थी उससे पूरी पावर छीन ली गई थी जिसे जर्मनी आगे कभी भी लड़ ना सके। साथ ही में जर्मनी को यह बोला गया था कि आपको 6 मिलियन यूरो का कंपनसेशन भी देना पड़ेगा। जो भी उनका ये कंपनसेशन था, ये इन्हें जल्दी से जल्दी पे करना था और साथ ही में जो उनकी एक जगह थी रिनलैंड, काफ़ी ज़्यादा रिसोर्स रिच थी, यहाँ पर बहुत सारा हमें कोल, आयरन, इस टाइप की बहुत अच्छी अच्छी चीज़ें देखने को मिलती थी, उसको भी छीन लिया गया था। बहुत सारे जर्मन लोग इस चीज़ को लेकर बहुत नाराज थे और जो अभी की गवर्नमेंट थी वाइमार रिपब्लिक, वो लोग मानते थे कि यही गवर्नमेंट रिस्पॉन्सिबल है इन सारी चीज़ों के लिए, क्योंकि इन्हीं लोगों ने हार मान ली और इस एग्रीमेंट के ऊपर, जो कि वर्साय का एग्रीमेंट था, ट्रीटी थी, इसके ऊपर साइन करा है। द इफेक्ट ऑफ द वॉर। अब फर्स्ट वर्ल्ड वॉर की वजह से जो यूरोप था इसके ऊपर साइकोलॉजिकली और फाइनेंशियली बहुत ज़्यादा इम्पैक्ट पड़ा था। अब यूरोप के अंदर सिर्फ जर्मनी नहीं था, और भी देश थे। यूरोप जो कि पहले दूसरे देशों को पैसा उधार दिया करता था, आज के टाइम पर वो लोगों से उधार पैसा मांग रहा था। जो सपोर्टर थे वाइमार रिपब्लिक के, मतलब कि जो अभी करंट वाली गवर्नमेंट बनी हुई थी जर्मनी के अंदर, उसके जो भी सपोर्टर थे, लोग उनको बहुत ज़्यादा क्रिटिसाइज़ किया करते थे। बोलते थे, अरे देखो ये तो वाइमार रिपब्लिक की गवर्नमेंट को वो कर रहा है, सपोर्ट कर रहा है, देखो ये कितना गंदा इंसान है। तो यहाँ पर वो ईजी टारगेट बन गए थे, मतलब लोग, अगर आपने गलती से भी गवर्नमेंट को सपोर्ट करा तो लोग आपके खिलाफ चीज़ें बोलना शुरू कर देते थे। जो सोल्जर्स थे उन्हें सिविलियन से ऊपर माना जाने लगा, मतलब कि जो नॉर्मल जनता है उससे ऊपर सोल्जर्स को माना जाने लगा। साथ ही में अग्रेसिव वॉर प्रोपेगेंडा, मतलब कि यहाँ पर पूरे जर्मनी के अंदर अब एक बात चल रही थी कि हमें जंग लड़नी है और नेशनल ऑनर काफ़ी ज़्यादा इम्पॉर्टेंट हो गया था, मतलब अपने देश की इज्जत बचानी है और हमें जंग लड़नी है। इस चीज़ को लेकर सारे जितने भी जर्मन लोग थे वो वर्क कर रहे थे। पॉलिटिकल रेडिकलिज्म एंड इकोनॉमिक क्राइसिस। रेडिकलिज्म मतलब कि वो लोग जो सोसाइटी के अंदर बदलाव चाहते हैं थ्रू रिवोल्यूशनरी मींस, मतलब क्रांति की मदद से कुछ सोसाइटी के अंदर बदलाव लाना चाहते हैं। तो यहाँ पर जर्मनी के अंदर जब सब लोग यहाँ की करंट गवर्नमेंट से नाराज थे तो उन्होंने क्या किया, उन्होंने एक पार्टी का फॉर्मेशन करा जिसका नाम था स्पार्टसिस्ट ली। अब ये जो स्पार्टसिस्ट ली थी, ये बोल्शेविक रिवॉल्यूशन जो हुआ था रशिया के अंदर उससे काफ़ी ज़्यादा इंस्पायर्ड थी।
स्पार्टसिस ली के अंदर रिवोल्यूशनरी सोशलिस्ट ग्रुप थे, मतलब वो लोग जो बदलाव लाना चाहते थे वो लोग थे। जिन लोगों ने ये सारी पार्टी बनाई थी, कब बनाई थी, ड्यूरिंग फर्स्ट वर्ल्ड वॉर ही बना ली थी ये पार्टी। ग्रेजुअली बहुत सारे वर्कर्स ने इस पार्टी को ज्वाइन करा और उन लोगों ने बोला कि हमारी जो गवर्नमेंट है कैसी होनी चाहिए, रशिया जैसी होनी चाहिए, यानी कि सोवियत स्टाइल गवर्नमेंट होनी चाहिए। तो यहाँ पर जो जर्मनी की अंडरगोइंग फाइनेंशियल क्राइसिस थे, उन सारी चीज़ों से हम लोग निकल सकते हैं अगर हमारी गवर्नमेंट सोवियत स्टाइल होगी, उन लोगों ने ऐसी डिमांड करी। लेकिन इन सारी चीज़ों के बारे में वाइमार रिपब्लिक यानी कि अभी करंट वाली गवर्नमेंट को पता चल गया था और उन्होंने इस पूरी पार्टी के अपराइजिंग को ख़त्म कर दिया विद द हेल्प ऑफ वॉर वेटरन ऑर्गेनाइजेशन जिसका नाम था फ्री कॉर्प्स। जो स्पार्टसिस थे इन्हें कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ जर्मनी ने फाइंड करा था। तो यहाँ पर आप देख रहे हो कि इन लोगों के पावर में आने से पहले ही अभी की करंट गवर्नमेंट यानी कि वाइमार रिपब्लिक ने इन्हें ख़त्म कर दिया था। 1923 के दौरान जर्मनी ने मना कर दिया कि हम कोई भी वॉर कंपनसेशन नहीं दे पाएंगे फ्रांस को। फ्रांस ने इस बात को सुनकर इनका इंडस्ट्रियल एरिया ऑक्यूपाई कर लिया जिसका नाम था रूहर। अब ये किस वॉर कंपनसेशन की बात हो रही है, याद करो अभी थोड़ी देर पहले ही हमने बात करी है ट्रीटी ऑफ वर्साय, जो एग्रीमेंट हुआ था। उस एग्रीमेंट के अंदर जर्मनी को बोला गया था कि आपको कितने यूरो देने हैं, 6 बिलियन यूरो। अब ये 6 बिलियन यूरो जर्मनी नहीं दे पा रहा था क्योंकि इनके पास पैसे नहीं थे, इसी वजह से इनकी जगह को फ्रांस ने ऑक्यूपाई कर लिया। टू काउंटर दिस, इस मुसीबत से बाहर निकलने के लिए, इन इस पैसे की मुसीबत से बाहर निकलने के लिए जर्मनी ने बहुत सारे पैसे प्रिंट करना शुरू कर दिए। देखते ही देखते जो जर्मनी के पैसे थे यानी कि मार्क, जैसे हम लोग हमारी कंट्री में रुपीस बोलते हैं, ऐसे जर्मनी के अंदर जो मार्क था इसकी वैल्यू बहुत ज़्यादा कम हो गई और चीज़ों का दाम बहुत ज़्यादा बढ़ गया, हाइपर इन्फ्लेशन हो गया था। इसका आसान मतलब ये है कि अगर आपको एक बिस्किट भी लेने जाना है तो बैग भर के नोट लेके जाने पड़ेंगे। द ईयर ऑफ डिप्रेशन, इस सारी मुश्किल के दौरान जर्मनी की एक कंट्री थी जो बहुत ज़्यादा मदद कर रही थी, वो थी अमेरिका। वो जो कि जर्मनी की जानी दुश्मन हुआ करती थी, वो अमेरिका बहुत ज़्यादा हेल्प कर रही थी जर्मनी की, उसे छोटे छोटे लोन देकर। लेकिन वॉल स्ट्रीट एक्सचेंज जो था अमेरिका के अंदर, वो क्रैश हो जाता है 1929 के दौरान। अब इसका मतलब क्या है, देखो वॉल स्ट्रीट एक्सचेंज का मतलब ये है कि जैसे स्टॉक मार्केट होता है अमेरिका का, उसका दाम बहुत ज़्यादा कम हो जाता है, वो क्रैश हो जाता है, जिसकी वजह से जो अमेरिका की नेशनल इनकम थी वो आधे से भी कम हो गई थी। अब जो अमेरिका था वो खुद एक बहुत बड़ी मुसीबत में फंस चुका था, अमेरिका के खुद के पास पैसे नहीं थे तो वो जर्मनी को कहाँ से लोन देता। तो यहाँ पर रिसेशन हो गया था अमेरिका के अंदर और इसकी वजह से पूरी दुनिया के अंदर बहुत ज़्यादा इफ़ेक्ट पड़ा था, लेकिन स्पेशली जो जर्मनी था बहुत बड़ी मुसीबत में था। जर्मनी अभी तक शॉर्ट टर्म लोन्स लिए जा रहा था अमेरिका से। अब जब अमेरिका ने उसे लोन देने से मना कर दिया तो जो इंडस्ट्रियल प्रोडक्शन थी वो काफ़ी ज़्यादा कम हो गई, जितने भी लोग काम किया करते थे उनकी जॉब्स भी छूटने लगी क्योंकि फैक्ट्रीज यानी कि इंडस्ट्रियल प्रोडक्शन कम हो गई थी। जितना यूथ था, मतलब जो यंग बच्चे हुआ करते थे, वो क्रिमिनल एक्टिविटी करने लगे। स्मॉल बिजनेसमैन और सेल्फ एम्प्लॉयड लोग थे, उन्हें बहुत ज़्यादा मुश्किलें फेस करने को मिली, यहाँ तक कि कुछ लोगों का तो बिज़नेस ख़त्म ही हो गया। अब लोगों का कॉन्फिडेंस बिल्कुल ख़त्म हो गया था, किससे ख़त्म हो गया था, डेमोक्रेटिक पार्लियामेंट्री सिस्टम के अंदर, वो सिस्टम जिससे वो लोग गवर्नमेंट को चूज़ करा करते थे, उस सिस्टम से ही लोगों का भरोसा ख़त्म हो गया था। उन्हें लग रहा था कि ये जो पूरा सिस्टम है ये पूरा ख़राब है। अब लोगों के पास कुछ भी सॉल्यूशन नहीं था तो उन्हें एक आदमी दिखता है, वो था हिटलर। लेकिन हिटलर कैसे दिखता है जानते हैं, हिटलर ऑस्ट्रिया में पैदा हुआ था 20 अप्रैल 1889 को। हिटलर ने फर्स्ट वर्ल्ड वॉर में बहुत ही छोटा काम किया था। क्या छोटा काम किया था, वो आर्मी के अंदर एक मैसेंजर की तरह एक्ट करा करता था, मतलब कि एक जगह से दूसरी जगह मैसेज ले जाने का काम करता था, जिसको कि काफ़ी लो लेवल माना जाता था उस समय आर्मी में। कुछ समय बाद हिटलर ने जर्मन वर्कर्स पार्टी को ज्वाइन करा और बाद में इस पार्टी का नाम बदल दिया और रखा नेशनल सोशलिस्ट जर्मन वर्कर्स पार्टी। फिर बाद में इस पार्टी का नाम नाजी पार्टी हो गया था।
1932 तक जो हिटलर की पार्टी थी उसके पास 37% वोट आने लगे। लोग नाजिज़्म के अंदर विश्वास करने लगे, मतलब कि जो हिटलर की सोच थी, जो सपने हिटलर दिखाया करता था, उन सारे सपनों को लोग देखने लगे। लोगों को लगा कि जो भी हमारे देश के अंदर मुसीबतें हैं या परेशानियां हैं, जो गरीबी है, इसको हिटलर ही ख़त्म कर सकता है। 1932 तक सबसे बड़ी लार्जेस्ट पार्टी बन गई थी नाजी पार्टी, 37% वोट्स आने लगे थे। हिटलर 30 जनवरी 1933 को सबसे बड़ी हाईएस्ट पोजीशन होल्ड करता है कैबिनेट के अंदर। जैसे ही इसको इतनी बड़ी पोजीशन मिलती है, ये डिसमेंटल कर देता है, ख़त्म कर देता है जो भी डेमोक्रेटिक स्ट्रक्चर था उसे। सर, डेमोक्रेटिक स्ट्रक्चर के अंदर क्या था? वोट देने के राइट्स, इन सारी चीज़ों को ये ख़त्म कर देता है। द फायर डिक्री ऑफ 28 फरवरी 1933, इसके अंदर हिटलर क्या करता है, जो भी सिविक राइट होते हैं उनको भी छीन लेता है। मतलब कि किसी भी सिटीज़न को फ्रीडम ऑफ स्पीच नहीं थी, मतलब कि आप अपनी आज़ादी से कुछ भी नहीं बोल सकते। फ्रीडम ऑफ प्रेस भी ख़त्म हो गई थी, मतलब कि न्यूज़ या फिर रेडियो के अंदर कोई भी पर्सन अपनी आज़ादी से कुछ नहीं बोल सकता, जो गवर्नमेंट बोलेगी वही उन्हें बोलना पड़ेगा। और फ्रीडम ऑफ असेंबली, मतलब कि कुछ लोग खुद से इकट्ठा नहीं हो सकते विदाउट परमिशन। तो यहाँ पर व्हाट वाज द फायर डिक्री। अब फायर डिक्री के अंदर क्या हुआ था, जितने भी कम्युनिस्ट थे उन्हें बोला गया कि आप लोगों के लिए बहुत अच्छा इंतज़ाम हुआ है, कॉन्सेंट्रेशन कैंप में पहुँच जाइए। अब ये कॉन्सेंट्रेशन कैंप क्या थे, जानेंगे हम थोड़ी देर में। हिटलर ने एक और चीज़ करी, जब वो पावरफुल बना उसने जितनी भी पॉलिटिकल पार्टीज थी उन्हें बैन कर दिया, मतलब कि आगे से कोई भी पॉलिटिकल पार्टी नहीं बन सकती थी जर्मनी के अंदर। स्पेशल सर्विलांस सेटअप करे उसने, स्पेशल सिक्योरिटी फोर्सेस सेटअप करे जो कि लोगों को कंट्रोल करेंगे और रूल करेंगे इम्प्यूनिटी के साथ। हिटलर के सामने एक बहुत ही बड़ी प्रॉब्लम थी, वो थी पैसा। बिना पैसे के वो आखिरकार कैसे जर्मनी को वापस से पावरफुल बनाएगा? तो उसने अपने दोस्त हामासाक का साथ लिया। हामासाक ने बोला कि मैं रिस्पॉन्सिबिलिटी लेता हूँ इकोनॉमिक रिकवरी की, मतलब कि हमारे देश के अंदर फिर दोबारा से हम लोग अमीर हो जाएंगे। कुछ स्टेट फंडेड प्रोजेक्ट शुरू हुए, मतलब कि गवर्नमेंट ने पैसा दिया इन प्रोजेक्ट्स के लिए, जैसे कि जर्मन सुपर हाईवेज बनाए गए, ऐसी रोडें जिन पर आप फटाफट एक जगह से दूसरी जगह जा सकते हो, और बड़ी बड़ी गाड़ी की कंपनियां खोली गईं। वॉल्क्सवैगन नाम की एक कंपनी को खोला गया। आज के टाइम पे भी आप इस कंपनी के अंडर बहुत सारी ऐसी कंपनीज हैं जिनको आप देखते हो, जैसे ऑडी जो है इसको भी वॉल्क्सवैगन ओन करती है, बेंटली को भी, और पोर्श को भी, स्कॉडा को भी, और ये सारी जितनी भी बड़ी बड़ी कंपनीज आपको दिख रही हैं इन सबको वॉल्क्सवैगन ओन करती है। बिल्कुल, इन सबको हिटलर ने ही शुरू करवाया था। हिटलर ने वापस से रिनलैंड, जो कि जर्मनी से छीन लिया गया था, उसे रीऑक्यूपाई करा। हिटलर ने ऑस्ट्रिया और जर्मनी को एक साथ मिला दिया था 1938 के अंदर। हिटलर ने जो जर्मन स्पीकिंग जगह थी, एक सडनटन लैंड, उसको एक्वायर कर लिया। और हिटलर ने ये सोचा कि अगर हम लोगों को दोबारा से अमीर होना है तो हमें जंग लड़नी पड़ेगी। तो हिटलर ने क्या करा, वॉर को चूज़ करा टू एंड द इकोनॉमिक क्राइसिस। वर्ल्ड वॉर टू, हिटलर ने वर्ल्ड वॉर टू की शुरुआत कर दी थी। सितंबर 1939 को जर्मनी ने सबसे पहले पोलैंड को इन्वेड करा, उसके बाद जर्मनी ने फ्रांस और इंग्लैंड के साथ भी लड़ाई शुरू कर दी। 1940 तक हिटलर को एक चीज़ बिल्कुल क्लियरली समझ में आ गई थी कि अकेला वो जंग को नहीं जीत सकता। उसने ट्राइपार्टाइट का फॉर्मेशन करा, मतलब कि जर्मनी, इटली और जापान, इन तीन लोगों ने मिलकर एक पैक्ट बनाया, एक ग्रुप बनाया। जून 1941 के अंदर जर्मनी ने सोवियत यूनियन के ऊपर भी हमला बोल दिया, यानी कि रशिया के ऊपर भी हमला बोल दिया। लेकिन ये बहुत बड़ी बेवकूफ़ी थी जर्मनी की, दोनों साइड से, दोनों दुश्मनों से लड़ने की एक साथ कोशिश कर रहा था जर्मनी, तो हारना तो तय था। वेस्ट साइड से ब्रिटिशर्स से लड़ रहे थे ये लोग, और अगर हम लोग ईस्ट साइड से देखें तो सोवियत आर्मी से लड़ रहे थे, यानी कि रशिया से लड़ रहे थे। सोवियत आर्मी फाइनली
जर्मनी को डिफीट कर देती है स्टालिनग्राद में और हिटलर यहीं पर हार जाता है। जापान जो कि इस जंग के अंदर अमेरिका से पंगे लेने की कोशिश करता है पर्ल हार्बर के ऊपर हमला करके, अमेरिका जो कि इस वर्ल्ड वॉर टू के अंदर बिल्कुल भी पार्टिसिपेट नहीं करना चाहता था, अब उसे भी पार्टिसिपेट करना पड़ता है। अमेरिका के लाख समझाने के बाद भी जापान उनकी एक नहीं सुनता, तो अमेरिका सीधे उनके ऊपर हमला करता है हिरोशिमा और नागासाकी पर एटॉमिक बॉम्ब से। एटॉमिक बॉम्ब से ये दोनों जगहें इतनी बुरी तरीके से तहस नहस होती हैं कि फाइनली जापान भी हार मान लेता है। इस पूरी जंग की शुरुआत हिटलर से हुई थी और ये वॉर हिटलर के साथ ही मई 1945 के अंदर ख़त्म हो जाता है। हिटलर, इसके बारे में हमने बहुत सारी इंपॉर्टेंट चीज़ें जानी। आप लोग बोलोगे कि हिटलर ने गलत किया ही क्या, अपने देश के लिए ही तो लड़ा वो, लेकिन हिटलर की असलियत हम अब जानेंगे द नाजी वर्ल्ड व्यू से। हिटलर की जो आइडियोलॉजी थी, जो सोच थी, जो उसकी पार्टी की सोच थी, उनका मानना ये था कि हर एक इंसान इक्वल नहीं होता, एक रेशियल हायरार्की होती है। अब इसका मतलब क्या है रेशियल हायरार्की का? मतलब कि इंसानों के अंदर भी कुछ अच्छी क्वालिटी के इंसान होते हैं और कुछ गंदी क्वालिटी के इंसान होते हैं। हिटलर का मानना ये था कि जो नॉर्डिक जर्मन आर्यंस हैं वो सबसे अच्छी क्वालिटी के इंसान हैं, जबकि जो ज्यूज हैं वो सबसे गंदी क्वालिटी के, यानी कि लोएस्ट हैं उसकी रेशियल हायरार्की में। तो यहाँ पर ज्यूज को वो सबसे गंदा माना करता था, तो यहाँ पर आप देख सकते हो कि सबसे अच्छा इन्हें माना करता था और सबसे गंदा ज्यूज को। अब एक चीज़ हिटलर को समझ में आ गई थी कि जो सबसे अच्छी क्वालिटी के इंसान हैं उन्हें ज्यूज से अलग रखना पड़ेगा, तो उनके लिए नई जगह को भी ढूंढना पड़ेगा। तो नई जगह ढूंढने के लिए हिटलर ने क्या करा था, न्यू टेरिटरीज को एक्वायर करने के लिए नॉर्डिक जर्मन्स के लिए हिटलर ने क्या करा, जो पोलैंड वाली जगह थी उसको ऑक्यूपाई करा और वहाँ पर घर बनाए गए नॉर्डिक जर्मन आर्यंस के लिए। हिटलर रेशियल यूटोपिया के अंदर बिलीव करता था, मतलब कि वो ये मानता था कि जो अच्छी क्वालिटी के जो हमारे ह्यूमन बींग्स हैं, यानी कि जो आर्यंस हैं, आर्यंस को वो अच्छी क्वालिटी का ह्यूमन बींग माना करता था, इनकी हेल्प से ये जो संसार है ये काफ़ी ज़्यादा अच्छा बन जाएगा। हिटलर ने क्या करा, ऑक्यूपाई कर लिया था नॉर्थ वेस्टर्न पोलैंड को और यहाँ पर जितने भी पोलैंड के अंदर लोग रहा करते थे इन लोगों को बोल दिया कि अपने घरों से निकल के यहाँ से भाग जाओ। यहाँ पर जो भी पोलैंड के अंदर कुछ लोग जो पढ़े लिखे थे, यानी कि एजुकेटेड पोलिश लोग थे, उन लोगों ने इस चीज़ का अपोजिशन करा, बोला कि हिटलर तुम गलत कर रहे हो, और उन्हें हिटलर ने मार दिया। यूथ इन नाजी जर्मनी, आखिरकार उस समय जो नौजवान लोग थे, यानी कि यंग लोग थे, उनका क्या हाल था? जितने भी स्कूल थे उन सबको क्लेंस करा गया और प्यूरीफाई करा गया। अब जब क्लेंस्ड और प्यूरीफाइड का नाम आ रहा है तो आपको लग रहा होगा कुछ अच्छा ही हुआ होगा, साफ़ सफाई हुई होगी, लेकिन हिटलर का मतलब ये था क्लेंस्ड और प्यूरीफाइड से कि जितने भी ज्यू टीचर हैं, ज्यूज जिन्हें कि वो सबसे लो क्वालिटी का ह्यूमन बीइंग माना गया था, आखिरकार ये जो ज्यूज हैं इतने लो क्वालिटी के ह्यूमन बीइंग्स कैसे टीचर बन सकते हैं, हिटलर ये सोचता था, और उसने जितने भी ज्यू टीचर थे उन्हें स्कूल से निकलवा दिया। ज्यूज जो कि फिजिकली हैंडीकैप्ड थे, या फिर जिप्सीज जो कि रोमानिया के लोग हुआ करते थे, उन सबको स्कूल से निकाल दिया गया बेवजह, चाहे वो बच्चे हों चाहे वो बड़े हों, और इन सब बच्चे या फिर बड़ों को गैस चेंबर के अंदर भेजा गया। गैस चेंबर क्या था? गैस चेंबर एक बहुत ही खतरनाक जगह थी, यहाँ पर लोगों को बंद करा जाता था और गैस से इस पूरे चेंबर को, इस पूरे हॉल को भर दिया जाता था। वो गैस जहरीली हुआ करती थी, तो जितने भी लोग इस चेंबर के अंदर बंद होते थे वो बड़ा तड़प तड़प के मरा करते थे। हिटलर इन सारी चीज़ों को आगे तक कंटिन्यू करना चाहता था, तो वो प्रोलॉन्ग्ड पीरियड ऑफ आइडियोलॉजिकल ट्रेनिंग दे रहा था अपने जर्मन स्टूडेंट्स को। जर्मन स्टूडेंट्स, वो जो अच्छी क्वालिटी के जर्मन स्टूडेंट्स होते थे उन्हें। अब ये आइडियोलॉजिकल ट्रेनिंग का मतलब क्या था? मतलब जो ये हिटलर की सोच थी, वो चाहता था कि मैं ये सारी सोच बच्चों के अंदर डाल दूँ। हिटलर ने जितनी भी स्कूल की टेक्स्ट बुक थी, जो भी बुक थी, उनको दोबारा लिखवाया
और उसके अंदर हिटलर ने लिखवाया कि रेशियल साइंस होती है, मतलब ऐसी भी कोई साइंस होती है जिसके अंदर अच्छी क्वालिटी के ह्यूमन बीइंग्स होते हैं और गंदी क्वालिटी के ह्यूमन बीइंग्स होते हैं। तो बच्चों को बचपन से ये चीज़ सिखाई जा रही थी, जिससे कि जो हिटलर की सोच है, मतलब कि जो नाजी आइडियोलॉजी है, इसको क्या करा जा सके, इसको जस्टिफाई करा जा सके, इसको सही माना जा सके। बच्चों को बचपन से ही सिखाया जाता था कि लॉयल रहो, मतलब कि ईमानदार रहो, सबमिसिव रहो, मतलब कि जब भी तुम्हें बोला जाए कुछ करने के लिए तो तुम कर दो, सबमिट कर दो अपने लीडर के आगे, अपने लीडर से कुछ क्वेश्चन मत करो कि तुम सही कर रहे हो या गलत कर रहे हो। जितने भी ज्यूज़ हैं उन्हें हेट करो, नफरत करो ज्यूज़ से, और हिटलर की पूजा करो, वर्शिप करो हिटलर को। 10 ईयर ओल्ड हैड टू एंटर जंग वॉक। अब ये जंग वॉक क्या था, वॉट डू यू मीन बाई जंग वॉक? क्लास 9th नाजी यूथ ग्रुप था ये चिल्ड्रंस के लिए, जो कि 14 साल के हुआ करते थे। 14 साल में जितने भी बॉयज थे उन्हें नाजी यूथ ऑर्गेनाइजेशन को ज्वाइन करना पड़ता था, हिटलर यूथ बोला करता था इन्हें। इन सबको बाद में लेबर सर्विस को ज्वाइन करना पड़ता था, 18 ईयर्स के होते थे जब। तो आखिरकार हिटलर ये क्या था, नाजी यूथ ऑर्गेनाइजेशन? इस नाजी यूथ ऑर्गेनाइजेशन के अंदर बच्चों को बचपन से ही ट्रेनिंग दी जाती थी आर्मी वगैरह की। अब हिटलर ऐसा क्यों कर रहा था कि उसे किसी भी समय जंग पर जाने की ज़रूरत पड़ सकती है, तो अगर वो इन छोटे छोटे बच्चों को ट्रेन करके रखेगा तो ये भी एज अ सोल्जर काम आएंगे। द नाजी कल्ट ऑफ मदरहुड। जितने भी बच्चे थे उन्हें ये सिखाया जाता था कि आप अग्रेसिव रहो, गुस्से में रहो। कौन से बच्चे? लड़के। लड़कों को सिखाया जाता था कि आप अग्रेसिव रहो, मैस्कुलिन, मतलब लड़के हो तो लड़कों की तरह बिहेव करो, किसी के ऊपर दया मत करो, कठोर दिल बन के रहो। गर्ल्स को सिखाया जाता था कि आप अच्छी माँ बनो, आप सिर्फ और सिर्फ आर्यन बच्चों को जन्म दो। अगर किसी वुमेन ने गलती से किसी ऐसे बच्चे को जन्म दे दिया जो कि आर्यन नहीं था हिटलर के अकॉर्डिंग, हिटलर आर्यन की नहीं मानता था, आर्यन उन्हें मानता था जिनके कुछ ब्राउन कलर के ऐसे हेयर्स हुआ करते थे, ब्लू कलर की आइज़ हुआ करती थी, उनको अच्छी क्वालिटी का ह्यूमन बीइंग माना करता था। और अगर किसी माँ ने ऐसे बच्चे को जन्म नहीं दिया तो हिटलर उन्हें पनिशमेंट भी देता था। सारी मदर्स को इक्वली ट्रीट नहीं किया जाता था। जो मदर रियर प्योर ब्लडेड आर्यन चिल्ड्रन, मतलब कि वो बच्चे जो कि आर्यन लगते थे, जिनको हिटलर मानता था अच्छी क्वालिटी का, वैसे लगते थे, तो उन्हें हिटलर क्या सोचता था कि इनको तो क्या मिलना चाहिए, अवार्ड मिलना चाहिए। वुमेंस हु बोर रेशियली अनडिजायरेबल चिल्ड्रन उन्हें पनिशमेंट देता था। वुमेंस जिन्होंने रेशियली डिजायरेबल बच्चों को जन्म दिया होता था उन्हें अवार्ड मिलता था। रेशियली डिजायरेबल मतलब कि किस चीज़ को लाइक करता था, कौन सी टाइप की क्वालिटी के ह्यूमन बीइंग्स को हिटलर लाइक करता था, आर्यन वाले। ऑनर क्रॉसेस वर अवार्डेड टू एनकरेज वुमेन टू प्रोड्यूस मैनी चिल्ड्रन। वुमेंस को कुछ क्रॉसेस भी दिए जाते थे, अवार्ड दिए जाते थे बच्चे पैदा करने पे। हिटलर ये चाहता था कि ज़्यादा से ज़्यादा वुमेंस बच्चे पैदा करें। ऐसा क्यों? जिससे कि ज़्यादा से ज़्यादा पॉपुलेशन इंक्रीज होगी तो आगे जाकर वही पॉपुलेशन हिटलर की आर्मी के अंदर उसके काम आएगी। वुमेन जो कि इन सारी चीज़ों को फॉलो नहीं करती थी उसे पब्लिकली कंडेम करा जाता था और सिवियरली पनिश करा जाता था, मतलब कि पनिशमेंट दी जाती थी, बेइज्जत करा जाता था। द आर्ट ऑफ प्रोपेगेंडा। प्रोपेगेंडा का मतलब होता है फैक्ट, आर्ग्यूमेंट, रूमर, हाफ ट्रूथ, लाए, मतलब कि झूठ। ये सारी चीज़ें हिटलर फैलाया करता था पब्लिक ओपिनियन की मदद से। कैसे? हिटलर जब भी मास किलिंग करता था, मतलब बहुत सारे लोगों को मारता था, तो अगर वो गलती से भी ऐसा किसी को बोलता कि मैं बहुत सारे लोगों को मार रहा हूँ, तो लोग हिटलर के अगेंस्ट हो जाते। वो हमेशा इस चीज़ को बोलता था कि मैं स्पेशल ट्रीटमेंट कर रहा हूँ, फाइनल सॉल्यूशन हो रहा है, यूथनेशिया हो रहा है, या फिर डिसइन्फेक्शन हो रहा है, सेलेक्शन हो रहा है, इस टाइप के वर्ड्स का इस्तेमाल करता था। नाजीज के जो भी आइडिया थे उन्हें विजुअल इमेजेस के थ्रू, फिल्म्स के थ्रू, रेडियो के थ्रू, पोस्टर्स के थ्रू या कैची स्लोगन और लीफलेट्स के थ्रू स्प्रेड करा जाता था। मतलब लोगों के दिमाग में बार बार ये चीज़ भरी जाती थी कि नाजी लोग बहुत अच्छे हैं, नाजी लोगों के जो भी आइडिया हैं वो बहुत अच्छे हैं। अब पोस्टर्स के अंदर आप देख सकते हो कैसे हिटलर
ये देखो हिटलर का जो ये साइन है, ये सिंबल है, हमारे स्वास्तिक से बहुत मिलता जुलता है, बट ये स्वास्तिक नहीं है एग्जैक्टली, ठीक है। स्वास्तिक कभी भी ब्लैक नहीं होता, ये हिटलर का ही कुछ इसने बनाया था, स्वास्तिक को ही इंस्पायर होकर उसी से साइन। तो यहाँ पर आप पोस्टर के अंदर देख सकते हो कैसे हिटलर की नाजी पार्टी का एक पर्सन जोर से मुक्का मार रहा है एक लाल रंग के राक्षस को। अब ये जो लाल रंग का राक्षस है ना, ये पता है कौन है? ज्यूज, जिन्हें हिटलर राक्षस दिखाया करता था। और यहाँ पर खुद को क्या दिखा रहा है कि मैं एक बहुत अच्छा इंसान हूँ, हम नाजी लोग बहुत अच्छे हैं जो कि इन राक्षसों को ख़त्म कर रहे हैं। क्राइम्स अगेंस्ट ह्यूमैनिटी, बहुत सारे लोग हिटलर से इंस्पायर्ड भी थे, बच्चे तो खास कर की, क्योंकि उन्हें बचपन से ही सिखाया जा रहा था कि हिटलर महान है, जो हिटलर करता है वो सही है। दे बिलीव्ड नाजिज़म वुड ब्रिंग प्रोस्पेरिटी, बहुत सारे लोगों को ये लगता था कि जो नाजिज़म है इससे हमारे देश के अंदर खुशहाली आएगी, शांति आएगी और हमारा देश सुधरेगा। हर एक जर्मन नाजी नहीं था, मतलब कि हर एक जर्मन हिटलर की सोच के अंदर विश्वास नहीं किया करता था। लार्ज मेजोरिटी ऑफ जर्मन्स वर पैसिव ऑनलुकर्स, मतलब कि जितने भी ज़्यादा से ज़्यादा जर्मन्स थे वो अपने दिमाग का सोच का इस्तेमाल करा करते थे मेजॉरिटी में। फिर बारी आती है हॉलोकॉस्ट की। अब ये हॉलोकॉस्ट क्या है? जितने भी ज्यूस थे उन लोगों ने कुछ फ़ोटोज़, कुछ लेटर्स, कुछ डॉक्यूमेंट्स, डायरीज, नोटबुक्स, आर्काइव्स, इन सब को कलेक्ट करा और इन सारी चीज़ों को कलेक्ट करते रहे। आखिरकार ये कलेक्ट किस चीज़ के लिए कर रहे थे ज्यूस? ज्यूस ये वो सारी चीज़ें कलेक्ट कर रहे थे जिसके अंदर प्रूफ था कि हिटलर ने उन्हें कैसे कैसे टॉर्चर करा था। यहाँ पर आप देख सकते हो कैसे बेचारे छोटे छोटे बच्चों को स्कूल से निकालकर एक कंसंट्रेशन कैंप के अंदर बंद कर दिया गया, बाद में इन बच्चों को गैस चेंबर के अंदर डालकर मार भी दिया जाता था। तो हिटलर ऐसा किया करता था। तो इसी चीज़ को जो लोग ये कलेक्ट कर रहे थे, नोटबुक को, डायरीज़ को और डॉक्यूमेंट्स को, इन सारी चीज़ों को जब लोग कलेक्ट करते थे ना, तो इसी चीज़ को लोगों ने बोला हॉलोकॉस्ट। ज्यू जो थे वो ये चाहते थे कि जो भी पूरा वर्ल्ड है वो इस चीज़ को याद रखे कि हिटलर ने कैसे एट्रोसिटीज़, मतलब कि कितने उनके ऊपर जुल्म ढाए, कितना उन लोगों को मुसीबतें सहनी पड़ी हिटलर के किलिंग ऑपरेशंस की वजह से। और इन किलिंग ऑपरेशंस को हिटलर किलिंग ऑपरेशन भी नहीं बोलता था, आपको पता है हिटलर कैसे कैसे नाम इस्तेमाल करता था। अच्छा, उनमें से कोई भी चार नाम फटाफट कमेंट सेक्शन के अंदर लिख दीजिए, तो मुझे पता चलेगा कि आपको भी अच्छे से समझ में आया है हिटलर के बारे में। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। अगर आपको इस चैप्टर के नोट्स चाहिए या फिर आपको सैम्पल पेपर चाहिए, तो एक बहुत ही सिंपल सी चीज़ करनी है, सब्सक्राइब करना है चैनल को, उसके साथ में एक ज्वाइन का बटन है उस पर क्लिक करके मेंबर बनना है। मेंबर बनने से आपको नोट्स और सैंपल पेपर मिलेंगे जो एग्ज़ाम में बहुत ज़्यादा हेल्पफुल होंगे, स्पेशली उन बच्चों के लिए जो कि लास्ट मोमेंट पे एग्ज़ाम्स की तैयारी कर रहे हैं, वो कुछ सेलेक्टिव क्वेश्चन से प्रिपेयर कर सकते हैं और इन नोट्स से फटाफट रिवाइज कर सकते हैं। सो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। फटाफट वीडियो को लाइक करो, चैनल को सब्सक्राइब करो और कमेंट ज़रूर करना वो फोर वर्ड्स के बारे में। ये कोई एड नहीं है, आपको एक बहुत ही इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन देनी है। एजुकेशन को इजी और अफोर्डेबल बनाने के लिए हमने एक इम्पॉर्टेंट स्टेप लिया है आपके लिए। हमने रेडी करा है स्पेशल कंटेंट जो आपके एग्जाम में बहुत हेल्प करेगा। इसमें आपको मिलेंगे चैप्टर वाइज टेस्ट पेपर, हर चैप्टर के नोट्स, साथ में कंबाइंड टेस्ट पेपर्स और प्रायोरिटी डाउट क्लियरिंग। इसके साथ साथ और भी बहुत सारे बेनिफिट्स आपको मिलने वाले हैं सिर्फ और सिर्फ 299 के मेंबरशिप प्राइस में। सब्सक्राइब के साथ में ज्वाइन के बटन पे क्लिक करके आपको ये मेंबरशिप परचेज करनी है। ये प्राइस लिमिटेड टाइम के लिए है। अरे वाह भैया, इतने कम प्राइस में इतनी सारी चीजें, मैं तो अभी मेंबर बन जाता हूँ।